नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल मिश्रा। हमें आपके प्रश्न निरंतर मिलते ही रहते हैं हमारे परिधानों को लेकर के, और उनके उत्तर देने में हमें कुछ समय लग जाता है, क्योंकि स्टूडियो में जा कर के वीडियो शूट करो, उसके बाद वो वीडियो एडिट करो, तो इन सब में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। तो मैंने आज सोचा कि आज रविवार का दिन है और दो तीन दिन तक इंद्रदेव की कोप दृष्टि के बाद आज भगवान सूर्य अपनी आभा और अपनी छटा बिखेर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रविवार के दिन, जब मैं छुट्टी पर हूँ, आज आपके कुछ और प्रश्नों का उत्तर दे दूँ। तो पहला प्रश्न जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को मेरी ध्वनि थोड़ी सी कम सुनाई दे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लैपल माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ना तो ये स्टूडियो सेटअप में हो रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ और बाहर खड़ा होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला प्रश्न जो आप लोगों का आजकल बहुत आ रहा है वो यह है कि आप लोगों की ऑर्डर की डिलीवरी में थोड़ा विलंब हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप उस विलंब के लिए भी बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है और हमारी तरह जो कुरियर कंपनी वाले लोग भी हैं, वो लोग भी छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने परिवारजनों के पास जाते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं। तो इस कारण से कुरियर कंपनीज ने जो हमें बताया है कि अभी आप लोगों के ऑर्डर जो डिलीवर होने का जो डेट है वो दो तीन दिन चार दिन तक डिले हो सकता है, तो इसके लिए कृपया आप हमें क्षमा करें, अपने ऑर्डर करते रहें, और ये कदापि न सोचिए कि हम लोग आपके पैसे लेकर बैठ गए हैं और आप लोगों को आपका ऑर्डर नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हुई हमारे ऑर्डर के में लेट होने की बात। दूसरी, कई सारे आप लोगों ने हमें कोड सजेस्ट किए हैं, कई सारे संस्कृत के कथन बताए हैं कि क्यों ना हम लोग उन संस्कृत कथनों पर बनाएं, तो इसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपके सारे जो भी सुझाव आप लोग देते हैं हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, और उनमें से कई संस्कृत कथनों पर हम टी शर्ट बनाने वाले हैं और भी परिधान बनाने वाले हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लॉन्च करने वाले हैं, तो वो समय समय पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना देते रहेंगे। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि क्यों ना हम भगवान श्री राम की टी शर्ट बनाएं, जहाँ पर भगवान श्री राम हो, जैसे अभी यहाँ आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देख सकते हैं, वैसे क्यों ना भगवान श्री राम की टी शर्ट हम बनाएं, या भगवान शिव की हम टी शर्ट बनाएं, या हनुमान जी की हम टी शर्ट बनाएं। तो आपके सुझाव सर आँखों पर, परंतु मेरा जो मानना है वो यह है कि भगवान जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनको कि आप टी शर्ट पर प्रिंट कर कर पहन सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है अगर कहीं पर भी हैं, वो चित्र के रूप में हो या मूर्ति के रूप में हो, भगवान की हमेशा पूजा आराधना अर्चना होनी चाहिए। और अगर आप टी शर्ट पर पहन के जाते हैं तो एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता है, तो ठीक है, उससे ज़रूर संस्कृति की क्रांति ज़रूर आती है, परंतु उससे वो भगवान का मुझे निरादर लगता है, क्योंकि जब भगवान है तो स्नानम समर्पयामी चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरति नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा भी होना चाहिए उनका, साथ ही साथ में उन पर पुष्प चढ़ने चाहिए, उन पे उनको नैवेद्य होना चाहिए, उनको धूपम समर्पयामी और दीपम समर्पयामी और आचमन्यम पुनराचमन्यम शुद्धाचमन्यम भी होना चाहिए। तो मैं भगवान को कोई फैशन सिंबल या फैशन स्टेटमेंट नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं भगवान की टी शर्ट ना मैं पहनता हूँ और ना मैं उसको बनाने में विश्वास रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब आप भगवान की टी शर्ट पहन रहे हो, उसको पहन करके आप कुछ भी खा रहे हैं और आप उसको पहन कर कुछ भी पी रहे हैं, उदाहरण स्वरूप आप मदिरा पान कर रहे हैं या आप कुछ ऐसे भोजन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो भगवान की टी शर्ट पहनकर नहीं करना चाहिए, भगवान के वस्त्र पहनकर नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक कारण। और तीसरा ये है कि आप अपने गंदे जीन्स और अपने गंदे अंतः वस्त्रों के साथ भी आप उनको डाल करके धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में या बाल्टी में, तो वो भी भगवान का निरादर है। इसलिए मैं इस चीज़ पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, तो हम भगवान की प्रिंट वाली टी शर्ट नहीं बनाएंगे, ना हम कोई मंत्र की टी शर्ट बनाएंगे, ना ही हम कोई जय श्री राम या कुछ भी ऐसा कोई भी कथन हो या ओम नमः शिवाय, क्योंकि मंत्र जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, तो वो भी हम नहीं बनाएंगे। हमारा जो ध्यान है वो केवल संस्कृत के उत्थान की ओर है, तो हम जो संस्कृत के जो नीति वाक्य हैं हमारा ध्यान उस पर है, और हमारा ध्यान है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, वीर हमीर सिंह सिसोदिया, लाचित बोरफुकन, और बहुत सारे हमने आपको बड़े बड़े हमारे सेनानियों के नाम बताए थे अपनी पिछली वीडियो में। हम उनके भी हमारा ये मानना है कि हम उनके ऊपर अगर टी शर्ट बनाएंगे तो एक सांस्कृतिक क्रांति भी आएगी और एक जन जागृति भी आएगी, तो हम उन पर अभी हमारा अधिक ध्यान है। हम एक बहुत छोटी सी टीम है, परंतु हम अहर निशम सेवा महे
को नीति वाक्य को हम बिल्कुल उसका पालन कर रहे हैं और सुबह शाम आपकी हम सेवा में लगे हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की, आप देख रहे हैं, मैं स्वयं अपनी खुद की बनाई हुई टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, जिसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, जिसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और जिसका हमने अब मूल्य भी बहुत कम कर दिया है। और आपको पता है कि ये जो TFI कंपनी है ये एक अनफंडेड कंपनी है और इसको चलाने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है और इसी अर्थ जो हमारे पास एक, जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म में, जो हमारे पास एक रेवेन्यू गैप है, तो उस रेवेन्यू गैप को हम भरने के लिए हम इस हमारा जो ये नया जो प्रयोग है, जो नवीनतम प्रयोग है हमारा अप्रैल का, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो कृपया अधिक से अधिक टी शर्ट खरीदें, आपके पैसे जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे और हो सकता है कि 2 दिन लग जाए डिलीवरी में आपको, परंतु अंततः आपको आपके कपड़े ज़रूर मिल जाएंगे। हम कोई फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है नहीं कि हमारे एक इशारे पर कुरियर कंपनी नाचने लगे, लेकिन कभी ना कभी हम शायद बन भी सकते हैं वैसा, तो कृपया करके आप हम पे विश्वास करिए और अधिक से अधिक हमारे परिधान खरीदिए। हमने बच्चों के लिए भी परिधान लॉन्च किए हैं, तो अपने लिए भी खरीदिए, अपनी श्रीमती जी के लिए भी खरीदिए, या अगर आपकी प्रेमिका हो, प्रेयसी हो, तो उनके लिए भी खरीदिए और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हो, भतीजे हो, भांजे भांजियाँ हों, तो उनके लिए भी खरीदिए, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक, अल्पायु से लेकर के वृद्धावस्था तक, सबके लिए हमारे पास टी शर्ट है और सबके लिए हमारे पास हुडीज़ है और अन्य परिधान है, वो सब खरीदिए और हम लोगों को टिके रहने में मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कोई अंबानी टाटा बिरला तो बनना नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि जो हमने संस्कृति और इतिहास और हमारी जो एक भारतीयता है और जो हमारा जो एक हिंदुत्व है, इसकी जो हमने मशाल जलाने की जो चेष्टा की है वो जलती रहे, वो बुझे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम।